किसी और को पसंद करती हो तुम क्या? हाँ करती हूँ, मेरी मर्जी, मैं जिसको चाहे पसंद करूं, जिससे चाहे शादी करूं, ये आपका मसला है। ये वेल नोन और रेप्यूटेड इदारा है, शोहरत हासिल करने के लिए इस इदारे के नाम को खराब नहीं कर सकती आप। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी इज्जत। सर वो शख्स मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की आपके साथ, प्रपोज किया आपको और इतनी सी बात पे इतना बड़ा हंगामा। सर इतनी सी बात, उन्होंने भरे मजमे में मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे रिंग पहना दी और उसके बाद मुझे धमकियां दे रहे थे कि अगर मैंने रिंग ना पहनी तो वो। सो व्हाट, रिंग पहनाने से आपकी इज्जत को खतरनाक हो गया। सर आपके लिए ये मामूली बात होगी, लेकिन मुझे मेरी इज्जत बहुत अजीज है। मैं किसी को ये हक नहीं दे सकती कि वो मुझे इस तरीके से रिंग पहना दे। चले मैं मानता हूँ उन्होंने जो किया गलत किया, लेकिन जो आपने किया वो भी मुनासिब नहीं था। अरे आप आके मेरे पास कंप्लेन कर दी, वजह ये कि शोर मचाकर उन्हें और हमें बदनाम करने की क्या जरूरत थी। अरे और तो और भरे मजमे में उनको थप्पड़ दे मारा। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि इतने हाई प्रोफाइल बंदे ने आपको प्रपोज किया, आपको इज्जत देना चाहिए। आप जानती हो कौन है? सुल्तान दुर्रानी नाम है उनका, साबिक इंटीरियर मिनिस्टर मुजद्दिद दुर्रानी के सगे भतीजे हैं वो। देखो नगीन, हमारे उनकी पार्टी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और मैं नहीं चाहूंगा तुम जैसी गैर जिम्मेदार लड़की की वजह से हमारे उनके साथ ताल्लुकात खराब हो जाए। सर मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। अरे तुम्हारे कहने से पहले ही मैंने तुम्हें जॉब से अलग कर दिया था। ये तो सुल्तान दुर्रानी की बड़ी बात है जो उन्होंने मुझे मना कर दिया है। सर मैं अभी इसी वक्त रिजाइन करना चाहती हूँ। नगीन मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, रिजाइन करने से मामलात और खराब हो जाएंगे। यू कैन गो एंड कंटिन्यू योर वर्क, गो नाउ। We'll be right back.
तो बताओ क्या हुआ है इसे? बीजान, आप तो जानती हैं अपने पोते को, गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। हाँ, मगर गुस्सा किस बात पर है, मुझे भी तो कुछ बताओ तुम लोग। वजह तो मैं भी नहीं जानती, बस इतना पता है कि वो गुस्से में आया और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। गई थी मैं 2-3 दफा पूछने, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। जिस शख्स को तुमने मोहब्बत के इजहार पे इतना जलील किया था, आज उसी की वजह से तुम्हारी जॉब बची है, वरना बॉस तो तुम्हें कब का फायर कर चुके होते हैं। यहाँ नहीं रुकूंगी मैं, रिजाइन करके चली जाऊंगी। बॉस तुम्हारे इस्तीफे को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो सुल्तान जैसे बड़े आदमी की बात क्यों डालेंगे। तुम्हें कोई नदामत, कोई शर्मिंदगी है अपनी हरकत पर? मीना, अगर मेरी जगह तुम होती तो तुम भी यही करती। और मैंने कोई तमाशा नहीं बनाया, बल्कि वहाँ जो लोग खड़े थे उन्होंने तमाशा बना दिया। मुझे क्या पता था मेरा ज़रा सा शोर मचाना इतना बड़ा सीन क्रिएट कर देगा। और वो सुल्तान तुरानी समझता क्या है ख़ुद को कि एक अंगूठी पहना देगा तो मेरा वजूद उसके नाम हो जाएगा। देखो नगीन, अभी भी वक्त है, तुम सुल्तान तुरानी को कॉल करो और उससे माजरत करो। तुम क्यों चाहती हो कि मैं उससे माजरत करूँ, जबकि मेरी तो कोई गलती भी नहीं? वो तुमसे सच में मोहब्बत करता है, और उस सारे वाक्य के बाद एक बात तो तय है कि सुल्तान दुरानी कोई फ्लर्ट नहीं है, धोखेबाज नहीं है, कोई अय्याश आदमी नहीं है। वो अगर कोई बुरा इंसान होता तो तुम्हें शादी की पेशकश क्यों करता? और उसका तुम्हें सबके सामने अंगूठी पहनाना उसकी सच्ची मोहब्बत का सबूत है। ठीक है, कर लूंगी माजरत, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी, कल ही हैदराबाद चली जाऊंगी। तो इतनी मुश्किल से तुम्हें जॉब मिली है और तुम उसे अपने ईगो और पागलपंदी की वजह से गंवाने पे तुली हो। ईगो की बात नहीं है अमीना, बात मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की है। जितना तमाशा बना है मेरा और जो कुछ आज हुआ उसके बाद मैं यहाँ नहीं रुक सकती। लोग अजीब तरीके से देख रहे हैं मुझे, हंस रहे हैं मेरे ऊपर, अजीब अजीब सी बातें कस रहे हैं, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा यहाँ रहना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। बच्चे, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? आखिर हुआ क्या है, कुछ तो बताओ मुझे, बोलो।